हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन 15 स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर सीएमए फाइनल डेरिवेटिव का एसएफएम में डेरिवेटिव का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीएमए फाइनल एसएफएम। चलिए यहाँ पे हमें क्या स्टडी करनी है, प्लीज आपको एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए यहाँ इलस्ट्रेशन 15 स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स और पोर्टफोलियो मैनेजर ऑन थ्री स्टॉक्स, तीन स्टॉक इनके पास है ये, और उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, 2 लाख फर्स्ट स्टॉक में है, 4 लाख सेकेंड स्टॉक में है, 6 लाख आपको थर्ड स्टॉक में है, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉक्स है, ये नंबर ऑफ स्टॉक्स है, और ये इनकी स्टॉक प्राइसेस है, ये इनका स्टॉक प्राइसेस है, और ये उनका बीटा है। उन्होंने कहा कि करंट स्पॉट निफ्टी इंडेक्स आपका इतना है, फ्यूचर प्राइस आपका ये है, यूज स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स, डिक्रीज द पोर्टफोलियो बीटा 0.8, पोर्टफोलियो बीटा 0.8 डिक्रीज करना चाहता है, इंक्रीज द पोर्टफोलियो बीटा 1.5, इंक्रीज द पोर्टफोलियो बीटा 1.5, एज्यूम द इंडेक्स फैक्टर इज ₹100, फाइंड आउट द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू बी बॉट और सोल्ड इन स्टॉक फ्यूचर्स। उन्होंने कहा कितना यूनिट बाई करेंगे, कितना यूनिट सेल करेंगे ताकि आपकी पोर्टफोलियो बीटा 0.8 हो जाए और ताकि आपकी पोर्टफोलियो बीटा 1.5 हो जाए। तो एक बात आपको माइंड में रखना पड़ेगा, मार्केट दो टाइप का होता है, एक तो होता है बियरिश मार्केट, एक होता है बुलिश मार्केट। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ये बियरिश मार्केट का मतलब मार्केट डाउनवर्ड साइड में जा रहा है, और बियरिश मार्केट में, बुलिश मार्केट में क्या होता है, मार्केट अपवर्ड साइड में जा रहा है। जब डाउनवर्ड साइड में जब जाता है तो हम क्या करते हैं, बीटा को डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं, मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, और ये बुलिश मार्केट में बीटा को क्या करते हैं, मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। अगर मान लिया जाए बीटा, अगर मान लीजिए 0.7 है, इसका मतलब क्या है, अगर 100 यूनिट से अगर चेंज हो रहा है मार्केट या डिक्रीज हो रहा है मार्केट, तो आपके कितने चेंज होगा, 100 के आपको चेंज होने के बाद 70 यूनिट से ही चेंज होगा, इसका मतलब आपका कम यूनिट से चेंज हुआ। और यहाँ पे अगर बीटा 1.5 है तो इसका मतलब होता है कि अगर मान लीजिए 100 यूनिट मार्केट में अगर इंक्रीज कर रहा है तो आपकी पोर्टफोलियो में कितना, 1.5 × 100 डेट इक्वल टू 150 यूनिट इंक्रीज हो रहा है। तो जब आपकी बुलिश हो तो आप अपनी पोर्टफोलियो को ट्राई टू इंक्रीज मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और जब बियरिश हो, जब मार्केट गिरने वाले हो, तो ट्राई टू डिक्रीज योर पोर्टफोलियो एज मच एज पॉसिबल, मतलब डिक्रीज पोर्टफोलियो एज लेस एज पॉसिबल। ओके, तो वी आर ट्राइंग टू डिक्रीज आवर पोर्टफोलियो एज लो एज पॉसिबल। ओके, नाउ इन दिस केस योर करंट पोर्टफोलियो, यू हाउ इट इज सॉल्व द क्वेश्चन, हाउ इट इज फॉर्मूला इज मेड, दैट आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड हियर। Look at it. Current portfolio value. Portfolio value into current portfolio beta. Portfolio beta plus, you do here plus future contract required to sell or buy, required to sell or buy equal to current portfolio value into target beta। अब आपको अगर यहां पे क्वेश्चन पूछ गया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो इसको आप एक्स मान लीजिएगा, और ये अगर दूसरे साइड में लेकर जाएगा, ये यदि दूसरे साइड में इस पोर्टफोलियो में करंट पोर्टफोलियो बीटा, इस पोर्टफोलियो में आप कुछ बाई करेंगे या सेल करेंगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, इस पोर्टफोलियो में आप कुछ बाई करेंगे और सेल करेंगे पोर्टफोलियो में,
तो यही पोर्टफोलियो टारगेट बीटा के अनुसार हो जाएगा, टारगेट बीटा के अनुसार हो जाएगा। मैंने आपका ये वाला कंट्रैक्ट करने के बाद ये टारगेट बीटा आपका अचीव हुआ, तो आपका एक्स इक्वल टू क्या होगा, देखिएगा जब ये ई साइड जाएगा तो करंट पोर्टफोलियो वैल्यू, करंट पोर्टफोलियो वैल्यू तो आपका सेम है, तो यू विल टेक कॉमन करंट पोर्टफोलियो वैल्यू, यहां पे टारगेट बीटा माइनस एग्जिस्टिंग बीटा, एग्जिस्टिंग बीटा जो आपका एग्जिस्टिंग बीटा है, यहां पे वैल्यू ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, वैल्यू ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो ये आपका एक्स क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इनटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इनटू वैल्यू ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, वैल्यू ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको हमेशा ये वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो यू विल ऑलवेज अप्लाई दिस फॉर्मूला, यू विल ऑलवेज अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करने के लिए, आपका अगर मान लीजिए पॉजिटिव आ जाता है तो पॉजिटिव का मतलब आप बाई करोगे, और नेगेटिव आ जाता है तो नेगेटिव का मतलब फॉर्मूला में क्या होगा, आप सेल करोगे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाई, यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाई करोगे, यहाँ पे नेगेटिव का मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आप क्या करोगे, आप सेल करोगे। इसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाई और सेल करेंगे, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ा, पोर्टफोलियो बीटा निकालना पड़ा, यहाँ पे एक वर्किंग नोट बनाना पड़ा, इसको मैं आपको जस्ट मैं समझाया था, इसको मैं खत्म करता हूँ। वर्किंग नोट यहाँ पे आप एक वर्किंग नोट बना लीजिए, वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो बीटा, क्योंकि आपका एक पोर्टफोलियो का निकालनी है, तो यहाँ पे स्टॉक वैल्यू रखेंगे, तो स्टॉक वैल्यू आपके पास क्या क्या आ जाएगा सुनिएगा, कैसे निकालेंगे हम, उसके बाद आपको यहाँ पे वेट हो जाएगा, वेट के बाद आपकी पोर्टफोलियो, यहाँ पे बीटा है, बीटा के बाद पोर्टफोलियो बीटा हो जाएगा, हम पोर्टफोलियो वेटेड बीटा, पोर्टफोलियो बीटा। अब सुनिए यहाँ पे स्टॉक वन की वैल्यू कितनी होगी, 2 लाख, 2 लाख इंटू 800, दैट इक्वल टू 1600 लाख हो जाएगा, यहाँ पे 4 लाख इंटू 800, 600, ये 2400 लाख हो जाएगा, यहाँ पे 6 लाख इंटू 200, ये 1200 लाख हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास टोटल कितना हो जाएगा, 4052 लाख, यहाँ पे 1600 लाख प्लस 24 लाख प्लस 1200 लाख, ये 1200 लाख, तो ये 5200 लाख हो जाएगा। वेट कैसे निकलेगा, 16 लाख आउट ऑफ 52, 24 लाख आउट ऑफ 52 और 12 लाख आउट ऑफ 52। अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 16 डिवाइड 52, 0.307, 24 डिवाइड 52 तो ये 0.46461, और यहाँ पे 12 डिवाइड 52 जीरो, यहाँ पे 0.23, 0.231 हो जाएगा, 232 लिख दीजिए,
तो आपकी जो पोर्टफोलियो की वैल्यू हो जाएगा 0.307 प्लस 0.461461 प्लस 0.232। अब आपका पोर्टफोलियो वेट का सम हमेशा 1 होता है। इनकी बीटा कितनी थी, ये 1.1 था, यहाँ पे 1.2, 1.3। ये अब सपोज कीजिए ये वाली आपके पास ए है और ये बीटा आपका बी है, तो पोर्टफोलियो बीटा ए इंटू बी हो जाएगा। तो 1.1 × 1.1 × 0.307 कितना आ जाएगा आपके पास, 0.3377, 0.461 × 1.2। तो 1.2 का मतलब 0.5532, 0.232 × 1.3, 0.3016। तो ये हो जाएगा 1.19 हो जाएगा, 1.19 बीटा हो जाएगा। तो ये हमारी पोर्टफोलियो बीटा हो गया 1.19। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ वर्किंग नोट टू, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें होता है स्टॉक, सॉरी स्पॉट, एच यहाँ पे स्पॉट निफ्टी इंडेक्स, स्पॉट निफ्टी या कोई निफ्टी इंडेक्स है यहाँ पे, तो निफ्टी इंडेक्स इंटू बीटा ऑफ इंडेक्स इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स इन वन कॉन्ट्रैक्ट, वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे स्पॉट निफ्टी इंडेक्स आपके पास कितनी है, 2700 है, और ये जो है एज्यूम इंडेक्स फैक्टर, इंडेक्स फैक्टर रुपीज 100 है, 100 नहीं है, 100 यूनिट्स है, 100 यूनिट्स है, गलत लिखा है, इट इज रिटन रॉन्ग। तो स्पॉट निफ्टी इंडेक्स दैट इज जस्ट 27, बीटा ऑफ इंडेक्स इज 1, बीटा ऑफ इंडेक्स इज 1 दैट इज नंबर ऑफ यूनिट 27 दैट इक्वल टू 2,70,000, 2,70,000। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट, व्हाट इज द क्वेश्चन इट इज आस्किंग टू यू, यू हैव टू ब्रिंग द बीटा 0.8। तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ या आंसर ऑफ फर्स्ट केस, नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू ब्रिंग बीटा 0.8। तो बीटा जब कम होता है तो हम सेल करते हैं, बीटा जब ज्यादा होता है तो बाई करते हैं। नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड टू सेल हम ऐसे कर सकते हैं, रिक्वायर्ड टू सेल, रिक्वायर्ड टू सेल, टू ब्रिंग रिक्वायर्ड टू सेल। अब यहाँ पे टू ब्रिंग बीटा 0.8, तो नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड टू सेल टू ब्रिंग, तो यहाँ पे क्या होता है, पोर्टफोलियो वैल्यू, पोर्टफोलियो वैल्यू, यहाँ पे क्या होता है, टारगेट बीटा होता है, माइनस यहाँ पे एग्जिस्टिंग बीटा होता है, एग्जिस्टिंग बीटा डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, वैल्यू ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो पोर्टफोलियो वैल्यू, व्हाट इज द पोर्टफोलियो वैल्यू, यू हैड अ पोर्टफोलियो वैल्यू 5,200 लाख, 5,200 लाख।
टारगेट बीटा इज 0.8। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो बीटा क्या होगी, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो बीटा कितनी है, 0.19, 1.19। तो यहाँ पे लिखेंगे 1.19 और ये लाख्स में है तो हमारे पास ये कितना आ गया, 2,70,000, दैट इज 2.70 लाख्स, ऐसे लिख सकते हैं। तो क्योंकि ये लाख्स में है 52 लाख, तो 2.70 लाख्स। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस यू विल गेट 0.8 माइनस 1.19 इंटू 5200 डिवाइडेड बाई 2.70, तो 751। तो आपका माइनस में आ जाएगा 751.11। तो यहाँ पे नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव रिप्रेजेंट्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल, तो दैट इज इन्वेस्टर विल हैव सेल 751 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू ब्रिंग बीटा 0.8, टू ब्रिंग बीटा 0.8। अब इसका आंसर चेक करेंगे हम, पोर्टफोलियो बीटा, जीरो पॉइंट एट के केस में कितना था, यहाँ पे 751 कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो वैल्यू नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड टू सोल, यहाँ पे सेल लिखा है ना डायरेक्ट है, तो बीटा अगर कम करना हो तो सेल करते हैं, बीटा इंक्रीज करना हो तो हम बढ़ाते हैं, ठीक है ना, वो बाई करते हैं फ्यूचर। अब ये हो गया अब बी पार्ट का आंसर, आंसर ऑफ बी पार्ट, नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड टू बाई टू ब्रिंग बीटा 1.15, बीटा अब की कितनी थी 1.5, यहाँ पे बीटा इंक्रीज है, पोर्टफोलियो में 1.19 है तो बीटा 1.5 है, तो यहाँ पे 1.5। तो देखिए पोर्टफोलियो बीटा हमारे पास कितना था 1.19, ये जो बीटा है ये 1.5 ये इंक्रीज कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर बाय करेंगे, फ्यूचर बाय करेंगे। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो वैल्यू, पोर्टफोलियो वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, टारगेट बीटा, एग्जिस्टिंग बीटा, वैल्यू ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, वैल्यू ऑफ वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज द पोर्टफोलियो वैल्यू, पोर्टफोलियो वैल्यू 5200 लाख, टारगेट बीटा 1.5, एग्जिस्टिंग बीटा 1.19, दिस इज द 2.7। तो ये कितना हो जाएगा आपको 1.5 माइनस 1.19 इंटू 5200 डिवाइड 2.7, तो ये हो जाएगा 597 कॉन्ट्रैक्ट, 597। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव मींस नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड टू, पॉजिटिव का मतलब होता है रिक्वायर्ड टू बाय टू ब्रिंग बीटा 1.5।
ठीक है ना। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चंस आपका कंप्लीट किया। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, आप जरूर जरूर रिवाइज करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।